हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई इंदिरा पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए आपको किस तरह का कंप्यूटर लेना पड़ेगा जिसके अंदर आप अच्छी खासी एडिटिंग कर पाओगे। अब कुछ लोगों की डिमांड ये भी होती है कि वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो वो दोनों ही बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए आती रहे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको किस तरह का कंप्यूटर लेना पड़ेगा अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, साथ ही वीडियो एडिटिंग भी आप कर पाओ। देखिए, कंप्यूटर तो काफ़ी हाई एंड तक जा रहे हैं, पर फिर भी एक कम से कम जो एक ठीक ठाक होते हैं उनका मैं बता देता हूँ। बाकी तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा स्पेस इन्वेस्ट करोगे तो आपका किस तरह का कंप्यूटर बन पाएगा। तो इसके अंदर मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया और मैं अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, कि आपको हाई एंड थोड़ा अच्छा कंप्यूटर क्यों लेना पड़ेगा। देखिए, अभी से कम 8 साल पहले मैं ड्यूल कोर यूज़ करता था उसके अंदर मैं लगभग 5 साल बाद म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम शुरू करने लगा। तो ड्यूल कोर के अंदर तो वो ढंग से काम हो नहीं पा रहा था, मतलब चल रहा था काम, ऐसी बात नहीं है, म्यूज़िक बन रहा था, एडिटिंग हो रही थी, पर फिर भी सिर्फ स्टॉक प्लगइन के साथ। जब मैं थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करता था तो उसकी बैंड बच जाती थी। उसके अंदर एक इशू और होता था कि मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग मतलब करने की कोशिश करता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि पूरा का पूरा सीपीयू ही बंद हो जाता था, यानी कि प्रोजेक्ट सेव भी नहीं हुआ और आपका काम ख़त्म, अब आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तीसरी चीज़ क्या थी उसके अंदर, जब मैं रिकॉर्डिंग करता था उसके अंदर दिखाता था 12 ms पर रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि बफर लेंथ जो है उसकी 12 ms है। अगर आप म्यूज़िक के अंदर थोड़ा बहुत आपने काम किया है तो आपने सेटिंग में देखा होगा कि वहाँ लिखा आता है 12 ms, 13 ms या ऊपर नीचे होता रहता है, या 16, 6 ms भी आता है, 2 ms भी आता है। तो उसके अंदर क्या आ रहा था, 16 ms। मैं जब उसको कम करता था कि मेरे रियल टाइम रिकॉर्डिंग हो सके, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके, तो क्या होता था, वो क्रैश करता था, यानी कि पट पट की आवाज़ आती थी, तो मैं नहीं कर पाता था। और जब मैंने प्लगइन लगा दिया कोई तब तो और ख़त्म, तो मुझे बफर लेंथ को बढ़ाना पड़ता था ताकि वो प्रोसेसिंग थोड़ी ढंग से ले। फिर मैंने अपना दूसरा कंप्यूटर रेडी करा, मतलब कि लैपटॉप लिया, i3 था, फुजित्सु कंपनी का था और वो काफ़ी सही चला। उसके अंदर 8 GB रैम थी, i3 प्रोसेसर था और लगभग 3rd generation का प्रोसेसर था, तो वो काफ़ी अच्छा चला। उसके अंदर 25-30 ट्रैक में डाल देता था, एडिटिंग करता था, थर्ड पार्टी प्लगइन लगाता था तो भी काम करता था। तो उसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या हुई, उसके अंदर जो बफर लेंथ था मेरा हो गया 6 ms तक, यानी कि पहले था मेरा 12 ms, अब पहुंच गया मैं 6 ms तक। फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि यार 6 ms सफिशेंट है, कोई चक्कर नहीं है। पर रियल टाइम के अंदर तो हमें खुद ही नहीं पता लगता था कितना रियल टाइम है, क्योंकि ये ms में है, मिलीसेकंड है, मिलीसेकंड तो आप जज ही नहीं कर सकते आप खुद ही, तो कंप्यूटर भी जज करता है पर हमें जज नहीं हो पाता। तो फिर मैंने और एडवांस जाना सोचा, जब मेरे को 3-4 साल हो गए काम कर लिया मैंने, उससे थोड़ा सा यूज़ ले लिया पूरा का पूरा, तो अब मैंने सोचा और एडवांस करता हूँ। तो मैंने सोचा CPU बनाने का, तो CPU बनाने के लिए मैंने कम से कम 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और उस हिसाब से थोड़ी फैमिली की मदद ली और मैंने एक अच्छा CPU बनाने का सोचा। तो जब वो अच्छा CPU बना तो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग की बफर लेंथ आती थी वो मेरी पहुँच गई 2 ms तक। अब आप समझ सकते हो कि कितना कम हो गया, 2 ms तक पहुँच चुका है। और M-Audio का इंटरफेस है, अगर मैं कोई अच्छी कंपनी का इंटरफेस ले लूं तो मेरे हिसाब से वो 1 ms तक चला जाएगा और रियल टाइम के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। अब आप समझ सकते हो कि 1 ms कितना कम है, यानी कि 1 ms आपकी आवाज़ यहाँ से रिकॉर्ड हो भी रही है साथ ही वापस आपको हेडफोन में सुनाई दे रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितना वर्क फास्ट हो गया उसके अंदर। और पहले भी होता था ऐसे, पर क्या होता था कि जब आपकी भारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, यानी कि कम से कम लंबी रिकॉर्डिंग आपने करती छोड़ दी है, तो उसका थोड़ा सा क्या होता है, आवाज़ डाउन हो जाती है, पावर कम हो जाती है, तो ये छोटे मोटे इशू आने लग जाते हैं। तो उसके इस वाले अब जो मेरा सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। दूसरी चीज़ ये, जब मैं 8 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो उस वक्त 480p के ऊपर काम हो रहा था। फिर थोड़ा सा मेरा जब i3 आया, ये सब आया, तो लगभग 720 और HD 4K तक पहुंचने लगा था, तो मैं पीछे हो रहा था। तो फिर मुझे क्या करना था कि यार मुझे ऐसा चाहिए जो मेरी 4K एडिटिंग कर पाए, क्योंकि आज भी लगभग मोस्टली HD ही वीडियो बन रही है, 4K इक्का दुक्का बनाते हैं, पर मैं सोच रहा था कि 4K तक कर लेते हैं ताकि मेरा काम अच्छा हो सके। तो मैंने 4K के लिए चूज़ किया।
तो अब मैं अपनी स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ कि मैं अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ, फिर आपने भी जज करना है कि आपको कितने बजट के अंदर काम करना है। देखिए अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ राइजन का 5 यूज़ कर रहा हूँ, और लगभग स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं 300 सीरीज़ का कुछ मॉडल नंबर है। साथ ही 16 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ, 6 GB ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि जी फोर्स का है, GTX लगभग 1660 है, TI ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो ये तो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब साथ ही क्लॉक स्पीड की बारी आ जाती है। मैंने इसके अंदर क्लॉक स्पीड ज़्यादा चूज़ किया है क्योंकि मेरा जो काम है ज़्यादातर सॉन्ग्स का है, तो उसके अंदर सॉन्ग्स के अंदर एक टाइम पे कम से कम 20-25 ट्रैक्स प्ले हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको भी चाहिए कि ज़्यादा क्लॉक स्पीड होनी चाहिए। अभी मेरी क्लॉक स्पीड इसमें दिखाता है 3.5 कुछ GHz, तो आपने भी ज़्यादा ही रखनी है। आपके पास शायद कंप्यूटर के अंदर 2.1 या 2.7 ऐसे कुछ GHz दिखाएगा CPU के अंदर, तो वो भी ठीक है, पर जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी होगी। उसका मेन कारण यही है कि आपके पास जो ट्रैक्स प्ले हो रहे हैं ऑडियो में, वो रियल टाइम के अंदर आपको सुनने चाहिए। अगर आपने ज़्यादा ट्रैक्स उसमें लगा दिए तो जैसे ही ट्रैक्स उसके अंदर भारी वाली जगह आएगी ना, वो क्रैश करेगा, अटकेगा फिर चल जाएगा, थोड़ा अटकेगा फिर चल जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको अच्छा क्लॉक स्पीड वाला गीगाहर्ट्ज़, और उसके अंदर जो ये गीगाहर्ट्ज़ होती है ना, वो आपकी CPU के अंदर होती है, और CPU के अंदर आपका प्रोसेसर होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कुछ कुछ नए नए जो है मतलब उनको ना पता हो, क्योंकि मुझे भी नहीं इतना डिटेल में पता था। मैं बस कंप्यूटर यूज़ करता था, सामान सामान लगाया कुछ भी और चलाने लग गया, तो मुझे भी पूरी डिटेल लेनी पड़ी कि मुझे अब कैसा लेना है, वरना मैं भी गलती कर रहा था पहले। तो आपने भी ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद क्या है, आपको क्लॉक स्पीड अच्छी मिलेगी तो आपको एक अच्छी हार्ड ड्राइव भी चाहिए। हार्ड ड्राइव कौन सी, SSD लोगे तो आपका सही रहेगा, क्योंकि देखो 10-20 गाने तो नॉर्मली बजते हैं एक टाइम के अंदर, ठीक है। गाने का अर्थ है यानी कि ट्रैक्स बजते हैं, तो वो ट्रैक्स जब रियल टाइम के अंदर रीडिंग करेंगे अंदर, तो वो ट्रैक उनको चाहिए ना कि भाई बजे ढंग से। अब यही है कि प्रोसेसिंग जब अच्छे से लेगा नहीं तो वो अटकेगा उसी तरह से। तो इसके अंदर क्लॉक स्पीड का भी फ़र्क पड़ता है, साथ ही उसके अंदर हार्ड ड्राइव का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आप 2-3 ट्रैक आप नॉर्मली म्यूज़िक वीडियो प्ले करो अपने सिस्टम के अंदर, तो नॉर्मली क्या होता है, पिक्चर ख़राब होने लग जाती है, अटकने लग जाता है, तो क्रैश करने की आवाज़ें आती है। तो ये चीज़ से बचने के लिए आपको हार्ड ड्राइव अच्छी लेनी पड़ेगी, और हार्ड ड्राइव के अंदर SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप नेट पे सर्च कर लेना, बाकी मैं पिक्चर दिखा दूंगा। इसके बाद आ जाती है रैम। अब रैम का भी रोल यही निभाता है, क्योंकि जब 25-30 ट्रैक प्ले हो रहे हैं तो उसको जगह भी तो चाहिए रैम के अंदर, कि वो एक टाइम के अंदर सभी को इकट्ठा करके उसको आपके सामने पेश कर सके। क्योंकि जब वो पावर लेगा तो क्लॉक स्पीड भी अच्छी चाहिए, यानी कि घड़ी तेज़ चलनी चाहिए, साथ ही उसके साथ आपको एक स्पीड चाहिए जो कि आपको स्टेट ड्राइव देगा, SSD देगा, साथ ही उसको काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो समझ लो कि हमारा रैम जो है ना, वो हमारे पास 16 GB रैम है, तो हमने 16 लोग खड़े कर दिए वहाँ पे, तो वो हमारे वर्क को फास्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए रैम भी ज़्यादा हो, आपकी SSD अच्छी हो, साथ ही क्लॉक स्पीड अच्छी हो, और अगर आपको और हाई एंड जाना है यानी कि एडिटिंग को भी नेक्स्ट लेवल पहुंचाना है, तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड क्यों, एग्जांपल के तौर पे देखो, वेव्स कंपनी के बंडल आते हैं जिसको हम मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या है कि ग्राफिकली डिज़ाइन बहुत अच्छे हो रखे हैं, तो उनको चलाने के लिए आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा तो वो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि मिली सेकेंड के अंदर प्रोसेस करेगा, साथ ही आपको शो कर देगा, और जब शो कर देगा तो आपको जो रियल टाइम के अंदर वर्क है वो भी अच्छा करेगा। मेनली मतलब कहने का है कि जो वेव्स प्लगइन जो बंडल है वो आपको ग्राफिक कार्ड की डिमांड करता है, तो ग्राफिक कार्ड जब आपके पास होगा तो आपको अच्छा वर्क फ्लो मिलेगा, और अच्छे अच्छे मतलब प्लगइन्स आप यूज़ कर पाओगे, वरना आपके जो प्लगइन्स हैं वो भी नहीं चल पाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने मेरी देख ली कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। और जो मदरबोर्ड है वो असूस का है, वो तो आप अपने शॉप से पता कर सकते हो, या नेट के ऊपर बहुत सारे चॉइस मिल जाते हैं, आप वो देख सकते हो। नहीं तो आप जो मार्केट के अंदर गेमिंग वाली वीडियोस बनाते हैं ना लड़के, उनकी वीडियोस देख सकते हो, वो गेमिंग जो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, समझ लो कि हमें भी वैसे ही प्रोसेसर चाहिए, तो उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो अब आपको भी यही चीज़ आपको रखनी पड़ेगी ध्यान, कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले मैंने बता दिया रियल टाइम के अंदर रिकॉर्डिंग अच्छी करनी है,
तो आपको अच्छे प्रोसेसर, अच्छी रैम, अच्छा ग्राफिक कार्ड, सब कुछ अच्छा अच्छा लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम बनेगा। पर अगर आपका बजट कम है तो मेरा ये कहना है कि 2 GB ग्राफिक कार्ड कर लो, कम से कम 8 GB रैम कर लो, साथ ही जो क्लॉक स्पीड है नॉर्मली 2.7 GHz तक कर लो, और मदरबोर्ड जो आपको सही लगता है वो आप लगा सकते हो। और इसके अंदर खास चीज़, एक चीज़ और ऐड करूँगा जिसके अंदर है हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई भी अच्छा लेना पड़ेगा ताकि वो पूरा का पूरा लोड उठा सके, क्योंकि आप हैवी हैवी चीज़ लगाओगे तो उसके अंदर बिजली भी अच्छे से जानी चाहिए और उसको पावर देनी चाहिए, तो वो पावर सप्लाई काम करेगा। नॉर्मली कम से कम 500-600 वाट का आप लगा लेना, ताकि आगे कभी आप कोई चीज़ को बढ़ाते हो, यानी कि आप जो 8 GB रैम थे उसको 16 करते हो, या 2 GB ग्राफिक कार्ड को आप 4 GB या 6 GB ग्राफिक कार्ड करते हो, तो आपका अच्छा काम हो जाएगा। अभी जो मैंने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है वो मैंने 6 GB का लगा रखा है, बताया ही आपको, और 6 GB के अंदर मेरी 4K वीडियो एडिटिंग हो जाती है, वो भी रियल टाइम के अंदर, रियल टाइम से भी कम। आप समझ सकते हो, अगर मैं 5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, मैं अगर मैं नॉर्मली जस्ट रेंडर करता हूँ ना, मैं जस्ट 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाती है, पर जब मैं एडिटिंग करता हूँ, 3-4 लेयर बना देता हूँ, तो वो 5 मिनट की वीडियो नॉर्मली 5 ही मिनट लेती है और वो बाहर निकल जाती है। कभी कभी 10 मिनट ले लेती है जब बहुत ज़्यादा फाइल्स, जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ होती है उसके अंदर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो नॉर्मली 10 मिनट के अंदर निकल जाती है, तो आप समझ सकते हो। और जब मैं पहले अपना सिस्टम यूज़ करता था i3, उसमें क्या होता था, मुझे कई बार अपने सिस्टम को रात को छोड़ देना पड़ता था ताकि वो फाइल निकले, एक दो घंटे लग जाते थे और मैं लगा के सो जाता था, और सुबह उठता था देखता था क्रैश हो गया या बंद हो गया किसी कारण से, कुछ और पंगा हो गया। और जो मेरा उससे भी पहले था ड्यूल कोर वाला, उसके तो हाल ही बहुत बुरे थे, मतलब कि वो चला देता था, उसने बहुत साथ निभाया मेरा, वो बुरा नहीं बोलूँगा मैं, अभी भी मेरे पास है, पर वो मतलब कि बंद हो जाता था। अभी यार आप समझ सकते हो कि एक म्यूज़िक वीडियो एडिटिंग करो, वो बंद हो जाए, फिर अगले दिन सुनो कि देखो कि भाई फिर बंद हो गया। और उस वक्त क्या होता था कि मैं डेट दे देता था कि भाई कल को मेरा वीडियो लॉन्च होने वाला है, कल को ये लॉन्च होने वाला है, और बताओ एंड टाइम के अंदर जब वीडियो ही बाहर नहीं निकली, अब दोबारा से 1 दिन पूरा लेगी, तो सोचो कितना बुरा लगता था ऑडियंस को बोलने में कि यार गाना नहीं आ पाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो इन बस 10 तरह की सिरदर्दी थी। अभी सिस्टम आपको अच्छा रखना है तो आपको देखो थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सको, वरना क्या होगा, आप फिर बदलोगे, फिर परेशान रहोगे, फिर बदलोगे, फिर परेशान रहोगे, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, Windows 10 Pro, तो आप वो आप यूज़ करें 10 तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि लेटेस्ट है, तो उसके अंदर आपके सभी तरह के प्लगइन वर्क करेंगे। और विंडोज़ 7 को ही मत यूज़ करो भाई, क्योंकि विंडोज़ 7 जो है अपडेट आना बंद हो चुका है, एक तरह से विंडोज़ 7 ही बंद हो चुकी है, तो आप उसके अंदर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करोगे या कुछ इंस्टॉल करोगे तो कई बार चलेगा कई बार नहीं चलेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जितने भी मार्केट में ड्राइवर्स आ रहे हैं अब, वो विंडोज़ 8 के हिसाब से और 10 के हिसाब से आ रहे हैं, तो विंडोज़ 7 में नहीं चलेगा, तो विंडो अपडेट कर लेना। बहुत लोगों ने मुझे पता है विंडोज़ 7 यूज़ किया हुआ है और उन्होंने पहले यूज़ किया था, अगर अभी यूज़ करेंगे नवे नवे सिस्टम लेंगे तो विंडोज़ 7 मत यूज़ करना, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेगी, वर्क फ्लो भी अच्छा नहीं रहेगा। 10 यूज़ करो, अपडेटेड वर्जन है, अपडेट भी मिलते रहेंगे और फ़ायदा ही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको और डिटेल के अंदर चाहिए तो मुझे बता देना, और बाकी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी प्रोडक्ट्स का, जो जो मैंने अपने सिस्टम के अंदर लगाए हुए हैं, यूज़ किया है, आप उसको चेक कर सकते हो। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो पिछला वर्ज़न ले लेना, मैं आपको बता भी देता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि पिछला वर्ज़न आपको कैसे चेक करना है। नॉर्मली विकीपीडिया पर जाना है, जैसे एग्जांपल राइजन 5 है तो उसके विकीपीडिया पर जाना है, उसमें आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी कि ये वर्ज़न कब लॉन्च हुआ था, इसमें कितने कोर्स है, क्या डिटेल्स हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि हमें किस तरह का कंप्यूटर लेना है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और इस तरह की वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।